दोस्तों एक नई जर्नी में फिर आ गए हैं। आज फिर जा रहे हैं एक जगह, वो जगह कौन सी है सरप्राइज रहेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो बने रहिए और आनंद लीजिए नए ब्लॉग में। चैनल का नाम गुरुदेव ब्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और चलते हैं और आगे का व्यू आपको दिखाया जाता है। दोस्तों तो जैसा कि आपको हमने बताया कि एक नई जगह आ गए हैं और अब चल रहे हैं। ये हम बघेल ढाबा के पास पहुंच चुके हैं जो बुढ़ार रोड में स्थित है। ये पृथ्वीराज पैलेस, जब आप बुढ़ार रोड की ओर निकलेंगे बुढ़ार की ओर तब पृथ्वीराज पैलेस पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं भवतारिणी मंदिर जो अमलई में स्थित है, सैडोल से 22-25 किलोमीटर की दूरी में है। ये अपना बघेल ढाबा बहुत फेमस, तो आप लोग आइए ज़रूर। अब हम वहाँ का मंदिर का पूरा रिव्यू देंगे आपको, पूरे तरीके से दिखाएंगे। माता रानी के मंदिर में चल रहे हैं और हमारे सोनू भैया गाड़ी चला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं देखो भाई, ये तुम मत देखना रस्सी बीच में रोक दो, ये देखो ये ऐसा होता ना भैया। अरे रस्सी तो तुम उठा ही सकते हो चाचा। अरे 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 बच्चा ये देख रहा, मेरी बात सुन नहीं रहा। जानवरों को इस प्रकार से मेन हाईवे में छोड़ के जो चल रहे हैं, इन लोगों से अनुरोध करूंगा मैं ऐसे ना करें, ऐसे में बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो कृपा कर अपना भी सावधानी रखें और जानवरों को भी ध्यान दें। देख सकते हैं सोनू भैया कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं करने। बोलता हूँ गुटखा मत खाया करो, ये सारे बहुत गुटखा खा रहे हैं। हाँ बाबा जो जा रहे हैं। दोस्तों तुम आगे ना देखो, तुम वहाँ देखो, बढ़ते चलो, तुम सामने देखो भैया, अपना मुँह मुँह हो जाएगा, तुम सामने देखो क्या है, अपने सुरक्षित जाना सुरक्षित आना है, समझे। गुटखा बहुत खाते हो यार, मत खाया करो बाबू, गुटखा मत खाया करो बाबू। दोस्तों बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और कुछ ही दूर बचा मंदिर, और शाम जैसे कि हो रही है हम कोशिश करेंगे जल्दी पहुंचे, दिनों दिन आपको वहाँ का व्यू दिखाया जाए और जाने के बाद मंदिर बताते हैं कि मंदिर में क्या दृश्य है। तो बने रहिए और आनंद लीजिए। दोस्तों बहुत इंतज़ार हुआ, अब हम पहुंच गए हैं भवतारिणी मंदिर, आप लोग देख सकते हैं अंदर का सीन है। अब आप लोगों को मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ये मंदिर का दृश्य, 20 साल पहले मंदिर बन गया। ये देखो ये माता रानी अंदर विराजी हैं, वहाँ चल के हम आपको दिखाएंगे। अभी काफी दूर है मंदिर, पहले बता तो रहा हूं। हरियाली में थोड़ी कमी है, ये कालरी क्षेत्र में कमलई में आता है और बड़ा ही सुंदर मंदिर है यहाँ का। आप लोग आइए और माता रानी के दर्शन करिए, बने रहिए और भी आप लोगों को दिखाते। तो दोस्तों अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर, मंदिर में चलेंगे अंदर और करेंगे माता रानी के दर्शन। देख सकते हैं मंदिर पहुंच चुके हैं, हम अंदर चलते हैं।
जाए। जाओ दर्शन करो। तो दोस्तों हम भवतारिणी मंदिर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ के पंडित जी बताएंगे यहाँ के बारे में, कितना पुराना मंदिर है और क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, खुलने का समय और बंद होने का समय, जो कि आप लोगों को आने में कोई तकलीफ ना हो। तो अब अगली आवाज़ पंडित जी की रहेगी आप सभी के सामने। ये मंदिर 1970 में मंदिर का शिलान्यास हुआ है और 1977 में भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलता है और फिर शाम को दूसरे मीटिंग 4:30 से 9 बजे तक। यहाँ हम दो पुजारी हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद पांडे, रामजी द्विवेदी। यहाँ 5 माली हैं, गार्ड 24 घंटा रहते हैं। यहाँ कंपनी द्वारा मंदिर में यह 5 फंक्शन मनाया जाता है, बसंत, शिवरात्रि, नवरात्रि, दोनों नवरात्रि, बसंत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। 5 माली हैं यहाँ, साफ सफाई, फूल बगिया का काम देखते हैं। और सुबह 7 बजे आरती होती है सुबह का, शाम का भी 7 बजे आरती होती है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को मिली कि मंदिर कब खुलेगा और कब बंद होता है, तो उसके पहले आप आए माता रानी के भव्य दर्शन करें। तो आप लोग देख ही सकते हैं माता रानी जो हमारे सामने विराज हैं, तो ऐसा अलौकिक रूप आपको यहाँ पे ही आके मिलेगा। तो मेरे वीडियो के जरिए जहाँ तक ये वीडियो जा रही है और ये दुनिया के हर कोनों में ये वीडियो पहुँचेगी, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि शहडोल से ज़्यादा दूर भी नहीं, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में भवतारिणी मंदिर, जो अमलाई से लगा हुआ बुढ़ार के बीच में, तो आप लोग ज़रूर आइए और मंदिर का दर्शन करिए। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे शहडोल में तीर्थ स्थान है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और आप लोग को घुमा रहे हैं। इस मंदिर का नाम भवतारिणी देवी मंदिर है और इस मंदिर में गार्डन की भी व्यवस्था है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। भोजन प्रसाद सारी व्यवस्थाएं यहां मिल जाएगी आपको। दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ और हमारे साथ बने रहें गुरुदेव ब्लॉग में। मंदिर है, पुराने पत्थरों से बना हुआ है, चारों तरफ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। हमारे दादा पुरखा लोग ये सब बनवा उनवा करके सब गए हैं, अब इसको हम लोग देखने के लिए आते हैं कभी कभी। जैसा कि देख सकते हैं आप, गार्डन देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, इतना बढ़िया गार्डन है। फूल, कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं, खतरनाक टाइप के, मन यहीं लग जाए, इतना खूबसूरत फूल है। बगीचा भी है, लाइन भी है और मंदिर के चारों ओर अपन घूम रहे हैं। हाँ, ये पूरा कॉलरी के अंतर्गत आता है, कॉलरी का क्षेत्र कहलाता है। पूरे बगीचे से भरा हुआ है मंदिर, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। पूरे फूल ओरिजिनल हैं और नीचे चल के फूल भी देखेंगे, अभी फूल देखने में मज़ा आएगा, फिर बताएंगे। ऐसे ही अलग अलग जगहों के दर्शन हम आप लोग को कराते रहेंगे, आप लोग को नई नई जगह घुमाते रहेंगे। हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो तो ज़रूर करिए ताकि हम और आप एक साथ बने रहें हर दिन। दोस्तों मंदिर के बारे में आपको बताया भी गया और यहाँ के पंडित जी भी, जिनका स्वभाव बड़ा ही निर्मल, हमको बड़े विस्तार से मंदिर के बारे में सारी चीज़ें बताए। और मंदिर के अंदर का तो आपने व्यू देख ही लिया, अब मंदिर के पूरा बाहर का हम व्यू आपको दिखाएंगे। माता रानी हमारे सामने है
यहाँ का गार्डन कैसा है कैसा नहीं है, ये अब हम सोनू भैया हमारे पूरा आपको डिटेल यहाँ की देंगे और बड़े भैया यहाँ की पूरी डिटेल देंगे। तो बने रहिए और आनंद लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको फूल दिखाता हूँ, यहाँ के गार्डन को। हमारे भाई साहब फूल के बारे में बता रहे हैं। दादा बताएंगे फूल के बारे में। एक से एक फूल है भाई, मज़ेदार। मैं तो कहता हूँ दो चार जिसको हम देख रहे हैं, और देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, और आनंद के साथ हमारा वीडियो भी बड़ा एंटिक हो रहा है क्योंकि बैकग्राउंड इतना प्यारा मिल रहा है। फूलों की तो क्वालिटी देखने लायक है, एक से एक फूल है। अब ये फूल है किसका ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये फूल है। ये ले चलिए, ये रख। हाँ हाँ, और भी खूब सारे फूल हैं। हाँ, इधर बीच में आओ, बीच में बीच में, इधर दिखाएंगे आपको। आनंद आ रहा है फूलों के बीच में, खुशबू तो वहाँ आ ही नहीं रही है। बढ़िया फूल, ये नंबर का। बगीचे के बीच में हम लोग घूम रहे हैं, चारों तरफ हमारे फूल ही फूल। हाँ, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। फूलों की क्वालिटी देखिए, एक नंबर के फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं। ये ऐसे फूल बहुत, हाँ, और इन फूलों का नाम क्या है आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको भी बता सकें और भी अच्छे अच्छे फूल और गार्डन का मजा दिला सकें। और आगे आपको दिखाएंगे और भी सारे फूल हैं। अभी तो हम इसी में खो गए हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, पूरी भीनी भीनी खुशबू आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे फूलों के शहर में आ गए हूँ। मज़ा आ गया इतने सारे फूलों को देख करके। आगे भी इच्छा है कि घूमते रहें, ऐसे ही गार्डनों का चक्कर लगाते रहें। अभी कुछ पानी गिर चुका है इसलिए थोड़ा सा कीचड़ भी है, और फूल तो देख रहे हैं आप, चारों तरफ हम फूलों के बीच में हैं। फूलों का नाम हमको नहीं पता है, आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको भी नाम पता चल सके। हाँ 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 हाँ, गेंदे जैसी खुशबू है लेकिन फूल कुछ दूसरा है। तोड़ते नहीं हैं इसलिए इतने अच्छे खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। फूलों की क्वालिटी अगर देखना है तो थोड़ा उनको लगे रहने दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी गार्डन के साथ, फूल की ही खूबसूरती गार्डन को खूबसूरत बनाती है। आप लोगों से अनुरोध है गार्डन में अगर आप आए तो खूबसूरती को खराब ना करें, आनंद उठाएं, मजा लें। न जाने कितने लोगों की मेहनत ऐसे गार्डन में रहती है, कितने मालूम जो दिन रात एक कर देते हैं, तो उसको उजाड़े ना। आपको फोटोग्राफी करना है, दूर से फोटोग्राफी करें, फूल खराब ना करें, पेड़ ना खराब करें। देख सकते हैं कितना बढ़िया है, दादा रखिए माइक ना मेरे पास। देखिए अब जैसा कि हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ का नज़ारा देखिए, नारियल लगा हुआ है गुच्छे के साथ, लगा हुआ है आम का पेड़ भी है, पर आम नहीं है। आम जब आएगा तब फिर हम आपको आग दिखाएंगे। अभी यहाँ डेकोरेशन का काम चल रहा है, यहाँ लगता पार्टी वोटी है मंदिर में। एक आज फूल है यार, पत्ती वत्ती है बढ़िया। तो देख सकते हैं सोलर प्लेट का एक प्लांट बना हुआ है जो मंदिर के जस्ट बगल में है, वहाँ भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देख सकते हैं पूरा ये सोलर प्लांट बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है ये। अब क्या है, दीवारें पूरी ऊपर तक बंधी हैं और गेट बंद है, तो हम अंदर जा नहीं सकते, इसलिए बाहर से दिखा दे रहा हूँ। जब कभी आपको मौका मिले तो आप अंदर आ जाना, ठीक है।